हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद, मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 3 इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन इन हिंदी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट कराया और पार्ट 2 कराया, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट 3। और इसमें मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम 2024 में भी देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ इंग्लिश में बोलते हैं UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब हुई, मींस एस्टेब्लिश डेट कब है। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। ये एग्जाम में इतनी बार पूछा जाता है, इसका कोई जवाब नहीं है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कई सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में घूमते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ UNO की, UNO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म पूछता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। एच क्यू मीन्स हेडक्वार्टर, तो ये है आपका न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पर है, यूएसए में। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना। अब एक क्वेश्चन और पूछता है आपके एग्जाम में, मेंबर कितने हैं। मेंबर मतलब होता है सदस्य कितने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब इस संस्था में। तो आपको बता दूं 193 इसमें सदस्य हैं, 193 सदस्य मेंबर हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, हिंदी में स्पीच देने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है। पहले भारतीय का नाम क्या है, यूएनओ में हिंदी में स्पीच देने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। लिग्नाइट है क्या है, आंसर इज तमिलनाडु। लिग्नाइट एक कोला है, कोल की हम बात करें तो एक अपने आप में एक अच्छा कोला माना जाता है। वैसे एंथोसाइट जो कोला होता है वो एक अच्छा कोला माना जाता है। ये भी एक कोयले की प्रजाति है जिसको हम बोलते हैं हार्ड कोले में इंक्लूड किया जाता है इसको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तमिलनाडु आप सब लोग जानते हैं, जिसकी कैपिटल चेन्नई है और चेन्नई को मद्रास बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। केतड़ी आप सब लोग जानते हैं तावे के लिए प्रसिद्ध है, और केतड़ी कहाँ पर है। केतड़ी की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं केतड़ी की बात करता हूँ, केतड़ी तो ये राजस्थान के अंदर आता है, और राजस्थान की आपको पता है कैपिटल क्या है, जयपुर। जयपुर और राजस्थान की कैपिटल जयपुर, इसी को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे, अगर मैं बात करूं, ठंडा जो प्लेस माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठंडा, तो वो है माउंट आबू। माउंट आबू नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं जी, सारे एक एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, भारत में तेल की पहली प्रचंडशाला कहाँ स्थापित की, मतलब ऑयल की जो रिफाइनरी हम बोल सकते हैं या एक प्रयोग लैब बोल सकते हैं, वो कहाँ पर खोली गई थी। डिगबोई, और डिगबोई आपको पता है असम में, और असम से हमारे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असम जो है, असम की कैपिटल तो आप सब लोगों को पता ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। असम में एक नेशनल पार्क है जिसमें एक सींग वाला गेंडा मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक सींग वाला गेंडा जो आपको देखने को मिलता है, ये बहुत बार पूछा गया है गेंडा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा लोहे का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है, आयरन, तो वो है आपका उड़ीसा। और उड़ीसा से रिलेटेड मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊँ जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो 3 क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं, अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूँ, ओडिशा एक ऐसा राज्य है, स्टेट है अगर मैं बात करूं, जो कि गरीबी राज्यों में इंक्लूड किया जाता है। ओडिशा की एक ऐसी झील है जिसका नाम है चिल्का झील, चिल्का लेक, चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसको आप नोट कर लेंगे, खारे पानी की झील। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के दे सकते हैं।
इसी जो चिल्का झील है इसको लेंगू झील के नाम से जानते हैं, ये भी आप क्वेश्चन याद कर लेना, लैंगून झील के नाम से जानते हैं, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कोलार की अगर मैं बात करता हूँ, ये कहाँ पर है? ये है आपके कर्नाटक में, ये आपके कर्नाटक में, और कर्नाटक में ये कोलार जो है किसके लिए है? ये गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड जो खजान है जिसको हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने का जो है आभूषण देखने को मिलते हैं या उसके मटेरियल देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। अब ये मैं सोचना सर वहाँ पे हम अपना घर बसा रहने के लिए। अब कर्नाटक की कैपिटल तो आप सब लोग जानते ही हैं, अब इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं सारे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। मैंने आपको हर वीडियो में बताया, मैं जब से मैंने पढ़ाना शुरुआत किया है ये क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ रहे। आपको पता है अगर मैं बेंगलुरु की बात करूँ, तो बेंगलुरु की मैं बात करता हूँ तो बेंगलुरु को हम बोलते हैं स्पेस सिटी। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है वो है इसरो सिटी, इसरो सिटी हर वीडियो में बताता हूँ आपको, इसी को हम बोलते हैं स्पेस सिटी, इसी को हम बोलते हैं मिनी एप्पल हेडक्वार्टर सिटी, और इसी को हम बोलते हैं एक और क्वेश्चन बोलते हैं आईटी सिटी। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, नहीं है तो प्रीवियस ईयर की पेपर और वन डे एग्जाम पेपर खोल के देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धनबाद से रिलेटेड आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पेपर आप चेक करोगे तो आपको ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार देखने को मिलेगा। तो झरिया जो हमारा जो माना जाता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो झारखंड के धनबाद में है, झारखंड के, ये एग्ज़ाम पूछा जाता है जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और कोयले हमारे हम बात करें सबसे ज़्यादा कोयले का जो प्रोडक्शन कर रहा है वो धनबाद में, सबसे ज़्यादा कोयले की जो कोल माइंस है वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आए हुए BHU के एग्ज़ाम में और काशी विद्यापीठ के एग्ज़ाम में और वनडे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन है, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा जिसकी हम बात कर रहे हैं? एंथोसाइट कोयला। मैंने आपको बताया एंथोसाइट कोयला ये एक हार्ड कोयला है, और कोल की अगर हम बात करते हैं, कोयले की हम बात करते हैं, चार प्रकार के कोयले होते हैं, एंथोसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन और पिट्स कोयला। ये जो है हमारे 4 टाइप के कोयले हैं, और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, जो ट्रेनों में आपने देखा और ट्रेन जो भर भर के जाती है वो इसी कोयले से जाती है। इस कोयले का जो यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी प्लांट फैक्ट्रियों में किया जाता है, जिसमें जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, मतलब हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत हार्ड चीज़ को पिघलाया जाता है, तो ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वो है हल्दिया। अब हल्दिया ये किस राज्य में, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है हमारा चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? यह है बेंगलुरु। मैंने आपको बताया चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये भी काशी विद्यापीठ, BHU और वनडे एग्जाम में आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड बता रहा हूँ आपको। बेंगलुरु, IT सिटी, स्पेस सिटी, सिलिकॉन वैली सिटी, मिनी एप्पल हेडक्वार्टर, छोड़ना नहीं, एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं आपके एग्जाम तक लगभग बहुत सारे पार्ट करा दूंगा मैं स्टैटिक जनरल नॉलेज के, तो किसी भी खिलाड़ी को परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। मास्टर वाले परेशान होते हैं कि हम कहाँ से पढ़ेंगे, वीडियो देखो इससे काम हो जाएगा, GS आपकी कहीं बाहर नहीं जाने वाली, बाकी और चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11 क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942, महात्मा गांधी के थ्रू हुआ था, ये आप सब लोग जानते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी से रिलेटेड कि पूना पैक्ट के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट कब हुआ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है पूना पैक्ट किन किन व्यक्तियों के बीच में हुआ था और कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है, ये वो स्टेडियम है जो इंडिया के पॉपुलर हैं, इनकी एक अपने आप में विशेषता है बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये झारखंड के रांची में, और बिरसा मुंडा के बारे में आप सब लोग नहीं जानते होंगे, बिरसा मुंडा हम बात कर सकते हैं जो ट्राइब्स कम्युनिटी है उसके आइडियल हैं, ये दाता हैं जिसको हम बोल सकते हैं।
नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 25 जनवरी को, इलेक्शन जो हम वोट देते हैं, वोट देने का जो अधिकार की हम बात करते हैं, इलेक्शन वोटर डे की हम बात करें तो 26 जनवरी से एक दिन पहले मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, नहीं है तो आज ही और भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर है चेक कर लो, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी बहुत बार पूछा गया है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बात करूं 15 क्वेश्चन, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, तो आपको पता है ये कोलकाता में, एक कोलकाता से एक क्वेश्चन बताता हूँ। जब मैं कोलकाता की बात करता हूँ तो आपने हावड़ा ब्रिज का नाम सुना होगा, हावड़ा ब्रिज के बारे में नाम सुना होगा, और ये अपने आप में बहुत पॉपुलर है। हावड़ा ब्रिज मात्र एक, इसको हम बोल सकते हैं लीवर ब्रिज है, लीवर ब्रिज, और ये जो है आपकी इसको, इस ब्रिज की विशेषता और इस क्वेश्चन की विशेषता मैं आपको बता दूं, भारत का मात्र एक ऐसा बंदरगाह है जो रिवर पर बना हुआ है, हम बोल सकते हैं रिवर पर बना हुआ है, तो वो कौन सा बंदरगाह है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है, हर वीडियो में डिस्कस किया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि वो कौन सा बंदरगाह है जो रिवर पर बना हुआ है। बाकी मैक्सिमम जो बंदरगाह हैं जिसको हम बोलते हैं पोर्ट जो होते हैं, वो हमेशा समुद्र में, समुद्र के किनारे में बनाए जाते हैं। ये बंदरगाह ऐसा है जो स्पेशल जगह बना हुआ, वो किस जगह बना हुआ, उसका नाम क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? आंसर इज 22 अप्रैल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया। 17 क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं, यांगसी नदी है, और यांगसी नदी के बारे में आपको बता देता हूँ। यांगसी नदी को हम सौरो ऑफ चाइना, मतलब हम बोल सकते हैं चीन का दुख, मतलब हम बोलते हैं बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। तो ऐसी चाइना के अंदर सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली, सबसे ज्यादा तांडव करने वाली, सबसे ज्यादा लॉस पहुंचाने वाली, वो ये यांगसी नदी है, और इसको येलो रिवर के नाम से भी हम जानते हैं, और इसी को हम सौरो ऑफ चाइना के नाम से बोलते हैं, मतलब चीन का दुख, सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है जो नदी, जो रिवर सबसे ज्यादा तांडव मचाती है, नुकसान करती है, बाढ़ आती है उसकी थ्रू, तो आप समझ जाना उसी को हम दुख बोलते हैं, सौरो मतलब होता है दुख। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है सैडल पीक। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप सब लोगों को पता है इस तरीके का हमारा इंडियन मैप है, हो सकता है मेरे से थोड़ा सा ऐसा अजीब सा बन जाए, मैं प्रयास करूँगा। मैं इस तरीके का हमारा इंडियन मैप है, और यहाँ पर हमारा श्रीलंका लटका हुआ है, और यहाँ पर है हमारे, ये है अंडमान और ये है हमारा निकोबार, थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। इसके बीच से जो है हमारी 10 डिग्री चैनल निकलता है, चैनल। अब चैनल क्या है, आपने देखा हो इस तरीके का हमारा ग्लोब होता है, जो कि हमेशा ऑफिस में रखा रहता है। ग्लोब का मतलब होता है एक पृथ्वी गोल टाइप में इस तरीके की, तो मैं ये लाइन मार्क कर रहा हूँ, इनको हम अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है ये जो लाइन मार्क कर रहा हूँ, इन्हीं के बीच से हमारा जो है अंडमान निकोबार निकल रहा है, इसको हम ग्लोब बोलते हैं, और इसी बीच में ये हो गया अंडमान और ये हो गया निकोबार, इसी जगह पर है हमारी सैडल पीक, मतलब अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी चोटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आप सब लोग जानते हैं गोरखपुर है, यूपी के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश कैपिटल है, उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूं 20 क्वेश्चन, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर में पोंगल किस राज्य का पर्व है? तो वह है तमिलनाडु। बहुत बार पूछा जाता है यूपी का क्या, आंध्र प्रदेश का, राजस्थान का क्या, कर्नाटक का, केरला का, इन्हीं 4-5 स्टेटों का याद करना है आपको, नेशनल जो डांस होते हैं, नृत्य जो होते हैं, बाकी और किसी भी राज्य की तरफ आपको भगने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है, मेरा फर्स्ट पेपर खराब है,
मेरी सर बीपेड की तैयारी नहीं हो पा रही है, मेरी एमपेड की नहीं हो पा रही, बीपीएस। तो मैंने आपको बताया कि हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि जीरो से हम हीरो बनाएंगे आपको, और आप हमारे सिलेक्शन देख सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।